नमस्कार, आइए बात करते हैं राज्य की तमाम छोटी बड़ी खबरों की। राजस्थान में कौन कौन से बदलाव होंगे, आज का मंडी का भाव क्या रहेगा, नए नियम कौन से लागू होंगे, आज का मौसम कैसा रहेगा, साथ ही राजनीतिक गलियारों की चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। राजस्थान में फिर से बारिश की झलक दिखाई दे रही है। मौसम विभाग के अनुसार 30 सितम्बर यानी की आज राज्य के 3 संभागों में बारिश होने की संभावना है। राजस्थान के मौसम में यह बदलाव एक बार फिर से बारिश की ओर इशारा कर रहा है। मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा अपडेट में यह जानकारी दी गई है कि अगले 24 घंटों में राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में बारिश का दौर जारी रहेगा। 30 सितंबर को जोधपुर के दक्षिणी भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जिसमें 3 संभाग प्रभावित होंगे। इसके बाद अगले दिन से राजस्थान के ज्यादातर भागों में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की उम्मीद है। हालांकि उदयपुर में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इससे राज्य में मौसम में बदलाव दिखाई देगा और तापमान में भी कमी आएगी। मौसम विभाग ने 29 और 30 सितंबर के लिए राजस्थान में बारिश का अलर्ट जारी किया था। इसके अनुसार पूर्वी राजस्थान के 14 जिलों के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान के 3 जिलों में अजमेर, जालौर और पाली में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से जारी इस अलर्ट में लोगों को बारिश के मजेदार सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बीते दिन पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में पूर्वी राजस्थान की कुछ जगहों पर बादल गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। विशेष रूप से पूर्वी राजस्थान के डूंगरपुर और झालावाड़ जिले में बारिश का अनुभव देखने को मिला। यह बारिश मौसम में बदलाव का संकेत है और क्षेत्र में वर्षा की गतिविधियों को दर्शाती है। पूर्वी राजस्थान में मनोर थाना झालावाड़ में सबसे अधिक बारिश 74 मिलीमीटर दर्ज की गई है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में गुडामालनी में 28 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। राज्य में फलौदी में अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 30.6 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा कई जिलों में आसमान में काले बादल छाए रहने की संभावना है, जो आगे भी बारिश की संभावना को दर्शाती है। यह मौसम पैटर्न राजस्थान में मौसम की बदलाव की ओर इशारा करता है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोडासर ने मदन दिलावर को लेकर बड़ा बयान दिया है। डोडासर ने कहा कि दिलावर पूरे कार्यकाल शिक्षा मंत्री रह गए और बीजेपी की 5 सीट भी आ गई तो मुझे बता देना। उन्होंने कहा कि दिलावर को विभाग कोटा स्टोन चेक करने और राहुल गांधी के बारे में बकवास करने के लिए नहीं दिया है। वहीं मदन दिलावर के बयान पर डोडासर ने कहा कि ऐसे विवेकहीन व्यक्ति के बयान पर मुझे बयान देना या उसका जवाब देना शोभा नहीं देता। इसको बीजेपी और आरएसएस ने केवल बकवास करने के लिए छोड़ रखा है। बदतमीजी करो, बकवास करो, अनगरल बयानबाजी करो। डोडासर बोले कि इसको शिक्षा मंत्री बना रखा है, मुझे शर्म आती है यह देखकर कि प्रदेश का शिक्षा मंत्री किस तरह की वाहियात बातें करता है, इतनी गैर जिम्मेदाराना बातें करता है, उनको शर्म नहीं आ रही है। डोडासर ने कहा कि दिलावर को बता देना कि राहुल गांधी ने मोदी के पसीने छुटा रखे हैं। मीटिंग में हमारे नेता जाता है तो मोदी सामने से सलूट मारता है, हर मीटिंग में आगे बैठता है। वह राहुल गांधी जिसके दादा और पिता राष्ट्र के लिए शहीद हो गए। गोविंद सिंह डोडासर ने दिलावर पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसे कई चलते चलते राजनीति से आउट हो गए हैं, यह दुर्भाग्य से दोबारा है। यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी से एक तो इसका स्कोर्ट बढ़ा दीजिए, नहीं तो कोई दुर्घटना न घट जाए। यह जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं हम मना करते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, हम बोलते हैं कि नहीं इस पर मत जाओ, यह विवेकहीन व्यक्ति है, बुद्धिहीन व्यक्ति है, यह अनगरल बयानबाजी करने के लिए छोड़ा गया है। डोडासर बोले कि डीपीसी करो, टीचर्स की भर्ती करो, इंग्लिश मीडियम को ज्यादा मजबूत करो, गरीब का बेटा कैसे पढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, शिक्षा में नवाचार करो। कोई कर रहा है क्या, कोई बात करता है क्या, कभी इस बारे में विद्यालय में निरीक्षण किया है, एक नल का निरीक्षण करके माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। डोडासर ने कहा कि मुख्यमंत्री जम्मू में ऐसे घूम रहे हैं जैसे देश फतेह कर लिया हो। डोडासर बोले कि मुख्यमंत्री जी पहले इन पर लगाम लगाओ, एक मंत्री 3 महीने से कह रहे हैं कि मैं मंत्री हूँ या नहीं। आज मदन राठौड़ जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है वह कह रहे हैं कि इस्तीफा ना मंजूर हो गया है और किरोड़ी जी मंत्री हैं। डोडासर बोले कि मैं चाहता हूँ कि कल की कैबिनेट बैठक में माननीय किरोड़ी लाल मीणा भी कैबिनेट बैठक में जाएं और 3 महीने से राज्य के मंत्रियों को, अधिकारियों को, मुख्यमंत्री को या मीडिया को जो बयान ज्ञापन दिया है उसके बारे में खुल के बात करें, जिससे उन चीजों पर सरकार का क्या विजन है वह स्पष्ट रूप से सामने आ सके, या फिर मदन राठौड़ भी फेल हैं। राजस्थान के डूंगरपुर शहर में सलाटवाड़ा मोहल्ले में पुराने विजय स्कूल के जर्जर हालत में भवन का मलबा हटाते समय भगवान बजरंग बली की प्रतिमा निकल आई है। एक पत्थर पर गदा के साथ बजरंग बली की प्रतिमा देख कर लोगों ने जल अभिषेक के साथ पूजा अर्चना की। शहर के सलाटवाड़ा वार्ड के पार्षद ब्रजेश कुमार सोमपुरा ने बताया कि मोहल्ले में स्थित पुराना विजय स्कूल का भवन पूरी तरह से जर्जर हाल हो गया है। स्कूल भवन को इन दिनों गिराने का काम चल रहा है, इसके लिए ट्रैक्टर के साथ ही मजदूर काम करने लगे हुए हैं। मलबे को हटाकर दूर डाला जा रहा है। इस दौरान ही शाम के समय मलबे के नीचे एक बड़े पत्थर पर आकृति उभरी हुई दिखाई दी। मजदूरों ने इसकी जानकारी ठेकेदार मुकेश रोत को दी। सूचना पर पार्षद ब्रजेश कुमार सोमपुरा समेत वार्ड के लोग, हिंदू संगठनों के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंच गए। पत्थर पर उभरी आकृति की सफाई करने पर गदाधारी भगवान हनुमान जी की मूर्ति दिखी। लोगों
लोगों ने हाथों हाथ ही पत्थर को वहीं खड़ा कर दिया, जल अभिषेक किया और पूजा अर्चना शुरू कर दी। लोगों ने कहा कि इस जगह पर कभी भगवान का मंदिर या स्थान रहा होगा जिससे वह मूर्ति निकली है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने हाल ही में सार्वजनिक निर्माण, पर्यटन, कला एवं संस्कृति व पुरातत्व और सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है। इस बैठक में राज हाउस के निर्माण पर विशेष चर्चा हुई है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को राजस्थानी कला शिल्प का उपयोग करने के निर्देश दिए ताकि राजस्थान को हेरिटेज लुक मिल सके। इस प्रस्तुतिकरण में राजस्थान हाउस के संपूर्ण विकास पर जोर दिया है। यह कदम राजस्थान की संस्कृति और कला को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित होगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान हाउस के निर्माण में राजस्थानी कला शिल्प का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश सार्वजनिक निर्माण विभाग की बैठक में दिए गए, जिसकी अध्यक्षता दिया कुमारी ने की। इस बैठक में शासन सचिव प्रवीण गुप्ता, रवि जैन और जोगाराम भी उपस्थित थे। नई दिल्ली में निर्माण अधीन राजस्थान हाउस के संबंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग में प्रस्तुतिकरण कर दिया है। जोधपुर हाई कोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद देशनोक नगर पालिका द्वारा करणी माता ओरण में धड़ल्ले से युद्ध स्तर पर निर्माण कार्य जारी है। हाई कोर्ट अपीलार्थी मनोज दान चारण ने जिला कलेक्टर बीकानेर को ज्ञापन सौंपकर देशनोक ओरण में चल रहे निर्माण कार्य से अवगत करवाया। साथ ही उन्होंने जिला कलेक्टर को हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार पूर्व में भी दिए गए ज्ञापन का स्मरण करवाया। मनोज दान का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश की सूचना के बावजूद अलका पटवारी देशनोक को स्थानीय प्रशासन ओरण में चल रहे निर्माण अधीन कार्य को रुकवाने की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ज्ञापन में मनोज दान ने स्थानीय प्रशासन को त्वरित आदेश कर देशनोक ओरण में चल रहे निर्माण कार्य को रोकने की मांग की। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि अपीलार्थी मनोज दान चारण ने बताया कि अब भी अगर जिला प्रशासन हाई कोर्ट के आदेश की पालना नहीं करता है तो कोर्ट के जरिए उसके खिलाफ आदेश की अवहेलना करने की कार्रवाई अमल होगी। गौरतलब है कि 27 मई 2024 को हाई कोर्ट ने देशनोक नगर पालिका के वित्तीय 2023-24 के प्रस्तावित निर्माण कार्य पर रोक लगाई थी। राजस्थान के कोटा में पुलिस को सामने देखकर भरे बाजार में कार दौड़ाने वाले दो तस्करों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तस्करों ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी जिससे एक महिला की मौत और करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद लोगों ने दोनों डोडा तस्करों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान कोटा से हंगामा, मारपीट व हादसे की दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है। देवली मांझी थाना पुलिस ने बताया कि दोनों डोडा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पास से 6.64 लाख का डोडा चूरा बरामद किया गया। देवली मांझी थाना पुलिस ने बताया कि शनिवार को कार सवार तस्करों ने भरे बाजार में कई वाहनों को टक्कर मारी। वे किसी तरह से वहां से भागना चाहते थे। इन दोनों ने मौत बनकर तेज रफ्तार से बाजार में कार दौड़ाई थी, जिससे एक कार समेत चार अन्य वाहन को टक्कर मार दी। आरोपी विक्रम बिश्नोई व रमेश बिश्नोई जोधपुर जिले के निवासी हैं। इन आरोपियों के कब्जे में 44 किलो डोडा बरामद कर एक कार को जब्त कर लिया गया है। देवली मांझी थाना पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। देवली मांझी थाना अधिकारी सुरेश मीणा ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि सांगोद की तरफ से कार आ रही थी। इधर थाने के सामने ही नाकाबंदी की गई थी। इस नाकाबंदी और पुलिस चेकिंग में घबराकर तस्करों ने तेजी से गाड़ी बैक की और करीब 300 मीटर तक ले गए। इससे एक बाइक और एक कार की टक्कर हो गई। इस हादसे में अनीता कुमारी की मौत हो गई। वहीं सोनिया और उसके बेटे कबीर का MBBS अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। कबीर का हाथ टूट गया है और उसे पैर में भी गंभीर चोट आई है। इधर सोनिया के 2.5 साल के बेटे चिराग को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत गंभीर है। सोनिया अपने पति और दोनों बच्चों के साथ बाइक से जा रही थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की मीटिंग हो सकती है। कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट राजस्थान के मद्देनजर उद्योगों को रियायत दी जा सकती है। अधीनस्थ मंत्रालय कर्मियों की ग्रेड में बढ़ोतरी पर फैसला संभव है। संस्थापन अधिकारी की ग्रेड में 6,000 से बढ़कर 6,600 करने का प्रस्ताव है। सितंबर में कैबिनेट की बैठक दो बार स्थगित हो चुकी है। पहले 18 सितंबर को, फिर दोबारा 25 सितंबर को मीटिंग होनी थी। दोनों बार स्थगित की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जयपुर दौरे की वजह से 18 सितंबर वाली मीटिंग स्थगित हुई। CM भजनलाल शर्मा का विधानसभा चुनावी दौरे की वजह से 25 सितंबर को होने वाली मीटिंग स्थगित हुई। कैबिनेट बैठक में ग्रेड पे बढ़ोतरी, खनन नीति और रिलिंग इन पॉलिसी का ऐलान हो सकता है। राज्य सरकार के मंत्रालय कर्मचारियों पर भी बड़ा ऐलान होने की उम्मीद है। मंत्रालय कर्मचारियों के ग्रेड में बढ़ाने की मांग को मंजूरी मिल सकती है। जयपुर में हवा महल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य को जान से मारने की धमकी मिलने के 2 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी का सुराग नहीं मिला है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चा में है। हाल ही में उन्होंने जयपुर शहर के कुछ क्षेत्रों में संचालित ई मित्र केंद्रों पर छापेमारी की थी। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया था कि इन केंद्रों पर समुदाय विशेष के कई लोग रुपए लेकर फर्जी आधार बना रहे थे। विधायक का कहना था कि इन ई मित्र केंद्रों पर देश के अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोगों के भी आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसके बाद उन्हें धमकी भी मिली है। ऐसा पहली बार नहीं है जब विधायक को धमकी मिली हो। इससे पहले भी उन्हें कई ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं। ई मित्र पर छापेमारी के बाद उन्होंने कहा था कि वह घुसपैठियों के खिलाफ है, इनका इंतजाम करना पड़ेगा। मनोहरपुर और शाहपुरा में देवन रोड पर कई बाहरी लोग रह रहे हैं जो अपनी फर्जी तरीके से ID बनवा
रखे हैं। मैं फर्जी दस्तावेज के खिलाफ हूँ। उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए धमकी मिली है। इंस्टाग्राम यूजर ने लिखा कि राजगंज आकर बताओ, वापस जिंदा जाकर दिखाओ। यह धमकी मिलने के बाद बीजेपी विधायक ने पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ को घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर ने मामले की त्वरित जाँच करने और यह हरकत करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने के निर्देश जारी किए। हालांकि शिकायत दर्ज होने के 48 घंटे बाद तक भी पुलिस की गिरफ्तारी से आरोपी दूर है। करीब 4 महीने पहले उन्हें सोशल मीडिया पर धमकी मिली थी, जिसमें लिखा था कि जिस दिन तोपखाना चांदपोल आएगा वह तेरा अंतिम दिन होगा। उन्होंने दावा किया कि यह धमकी समाज विशेष के लोगों ने दी है। इस मामले की शिकायत भी विधायक ने पुलिस कमिश्नर को दी थी। अभ्यर्थी से जनेऊ उतराने का मुद्दा तुल पकड़ लिया है। वीपर फाउंडेशन ने सरकार से कार्रवाई की मांग की है। अभ्यर्थी ने इसकी शिकायत सीएम शर्मा को की है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे मीडिया से शाम को पता चला कि सीआईटी के एग्जाम सेंटर पर कल किसी कैंडिडेट का परीक्षा में जनेऊ को उतराने का मामला सामने आया है। जनेऊ चेक करना सही था, लेकिन उतरवाना अनुचित है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टीचर ने किसी दुर्भावना से जनेऊ उतराया होगा। शायद उन्होंने चेकिंग की नियमों की पालना की होगी, अपनी समझ से ड्यूटी की पालना की। उम्मीद है कि इस मामले को अन्यथा नहीं लिया जाए। साथियों, ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। यह है वीडियो, आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।